राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी। अरे भाइयों आप लोग बैरिकेडिंग छोड़ दिए, बैरिकेडिंग छोड़िए, बैरिकेडिंग छोड़िए, बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, कृपया बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, आप लोग बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए, बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग छोड़ दीजिए। साथियों हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी आ गए हैं, आप लोग जो बल्लियां पकड़ करके खड़े हैं, जो साथी बल्ली पकड़ करके खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि वो बल्ली छोड़ करके खड़े हो, अगर वो गिरेगी तो सबको चोट लगेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोगों के बीच में है, आपसे इत्मीनान से बातचीत करेंगे, एकदम आप परेशान ना हो, पूरा का पूरा समय आपके लिए है, आप ही के लिए वो यहाँ से इतनी दूर चल करके आए हैं। अतः प्लीज आप लोग से निवेदन है आगे, अरे भाई बल्ली छोड़ दीजिए, बल्ली छोड़ दीजिए, ठीक है उधर हो जाइए। आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं, अखिलेश यादव जी भी आ गए हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग, अरे भाई बल्ली छोड़ दीजिए, बल्ली छोड़ दीजिए, बल्ली छोड़ के हटिए, चोट लगेगी क्या भाई, बैरिकेड जो लगी है उसके पीछे हो जाए। हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में इतनी दूर से चल करके आए हैं, आपको पूरा समय देंगे, आपसे पूरी बातचीत करेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि बल्लियों को छोड़ करके खड़े हो। मैं अब आग्रह करूंगा अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय उज्ज्वल रमण सिंह जी से कि आपको संबोधित करें। उज्ज्वल रमण सिंह जी, आज मुंगारी में आयोजित इस सभा में मैं लोगों से कहूंगा कि बैरिकेड में तोड़िए, बैरिकेड में तोड़िए, सब लोगों से कहेंगे बैरिकेड में तोड़िए, पहले पीछे चलिए, देखिए अनुशासन में रहिए। आज की सभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, वह रेवती रमन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और मंच पर बैठे सभी नेता का ये लोगों का उत्साह है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए बैरिकेड मत तोड़िए, बैरिकेड मत तोड़िए, आप लोग बैरिकेड के पीछे, बैरिकेड के पीछे चलिए। मैं लोगों से कहूंगा कि संयम रखिए, ये मीटिंग को खराब मत करिए, पीछे चलिए, पीछे चल, लोगों से कहूंगा कि धीरज रखें। आज ये इलाहाबाद की लड़ाई, आज संविधान पर जो लोग बुलडोजर चलाना चाहते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ये बुलडोजर चलाने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा। प्रयागराज की अस्मिता और गौरव के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इसको जवाब देने की जरूरत है। किसानों की आत्महत्या का जवाब देना है, किसानों को कुचलने वाली सरकार को जवाब देना है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मीटिंग में सुचारू रूप से चलने दीजिए, मीटिंग को सुचारू रूप से चलने दीजिए, और ये प्रयागराज के साथ जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया, तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बूथ को जिताने का काम करिएगा। मैं साथियों, मैं राहुल गांधी, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सब लोग पीछे चलिए, सारे लोग पीछे चलिए, अब मैं आग्रह करूंगा आपके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि वो आए और नौजवानों से बातचीत करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करूंगा।
सब लोग बैठ जाइए, आदरणीय अखिलेश जी आपसे बातचीत कर रहे हैं, सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। मंच पर मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है, लेकिन ये उत्साह और जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए यहां के बहुत ही पुराने नेता, पूर्व राज्यसभा में सांसद रहे कुंवर रेवती रमन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी उज्ज्वल रमन जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रदीप मिश्र जी, अरुण तिवारी जी, नरेंद्र सिंह जी, महफूज खान साहब, हमारी पार्टी के विधायक संदीप पटेल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, और इस चुनावी जनसभा में आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद के लिए, सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर के आपसे मदद और सहयोग मांगने आए हैं। अभी हम लोग फूलपुर लोकसभा से लौट करके आए हैं, जैसा यहां जोश देखने को मिल रहा है वैसा ही जोश उत्साह फूलपुर में था, और इस इलाके में ये पहली बार उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाव में आपके बीच में आया था, आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं, उस समय जब आया था तो आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी को एक एक वोट दिया था और हमारी पार्टी के जहां संदीप पटेल जीते थे वहीं हमारे कुछ साथी थोड़े वोटों से रह गए थे। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1,00,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया, पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की MSP देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान,
हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी, सब क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया। मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले ने न केवल आपको नौकरी के लिए धोखा दिया है बल्कि आपके एक तिहाई जीवन को बर्बाद कर दिया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पक्की नौकरी, जैसे हमारा नौजवान पहले पक्की वर्दी पहनता था, वैसे ही पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इन्होंने हर एक वर्ग को ठगा है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि उज्ज्वल रमन इनकी मदद करना, मदद करोगे इनकी, सब लोग मिलकर के जिताओगे, अपना बूथ जिताओगे, अपना बूथ, अपने बूथ पे जाने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे, बूथ पे जाकर के वोट डालेंगे। इनका चुनाव चिन्ह, इनका चुनाव चिन्ह पे जानते हैं, इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन हम और राहुल जी आपसे करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। चार चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है, जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सातवें चरण तक जनता का गुस्सा सातवें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। आपसे निवेदन है कि आपके महबूब नेता, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका, मूड कैसा है? बढ़िया। आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्योटो की एक सीट जीत रहे हैं। भाई और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के
सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाई और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहां जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक 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 होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में, के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए ठगाठग 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 डाल रहे हैं। भाई और बहनों, अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद पेंशन कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहां पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहां के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी गर्मी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यहां पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंह जी हैं, इनको उज्जवल रमन सिंह जी हैं, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। उज्जवल रेवती, नरेंद्र मोदी जी को क्योटो पहुंचाना है, क्योटो।